हाँ जी दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एकता अरोड़ा। तो आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, पौधारोपण हो रहे हैं। हम पहुँचे हुए हैं यहाँ पे, और का नाम क्या है? नितेश अरोड़ा। नितेश, हमें ये बताएं कि आप यहाँ पे आए हो, किस खुशी में आए हो? आप पौधारोपण कर रहे हो, आज ही का दिन क्यों चुना है, क्या बात है? एज ए कम्युनिटी 14 अगस्त हमने डिसाइड करा हुआ है डेरे की साइड से, जो हुआ है अब तक समवेयर अराउंड 4 करोड़ प्लस ऑलरेडी ट्रीज लग चुके हैं, सैम्पलिंग लग चुके हैं। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी अभी चल रहा है, ऐसे बहुत सारी जगह यहाँ पे ऐसे चीज़ें चल रही हैं। आप मतलब अगर नोएडा की बात करो तो मे बी शायद 15-20 जगह ऐसे ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें समवेयर अराउंड 1000 से 2000 एक एक जगह हम सैम्पलिंग्स लगा रहे हैं। और ये हर साल होता है, 14 तारीख का हमने इसका डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है सबका। 14 अगस्त ही आपका क्यों ये मतलब डिसाइड होता है हर बार? हम बेसिकली क्या है, जो हमारे गुरुजी हैं उनका जो बर्थडे होता है वो 15 अगस्त को होता है, तो उससे एक दिन पहले पूरे आप इंडिया या अब्रॉड की भी बात करें तो हर जगह हम ये सारे करते हैं मिलके एक टाइम के लिए, ताकि ऑब्वियसली मतलब इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द डिफॉरेस्टेशन नाउ डेज, तो कितना डिफरेंस आ चुका है। तो इसको देखते हुए गुरुजी ने ये सारी चीज़ें शुरू करी थी, और अब तक मतलब आप जिसमें से नियर अबाउट 5 करोड़ के आसपास हो चुके हैं सैम्पलिंग्स, और उसमें से काफ़ी हद तक मतलब अगर आप माने तो ये खाली लगाना नहीं है, इनकी संभाल करना भी हम उसमें रखते हैं, जिसमें से अगर हम लगाएं तो उसमें से 70% के आसपास, 70% के आसपास अभी भी चल रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि वो दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ये नहीं है कि आपने लगा दिया और उसके बाद आप उस चीज़ों को देखेंगे ही नहीं। देखिए, हर जगह का अलग अलग हिसाब रखा जाता है अकॉर्डिंग टू जितने हमारे वॉलंटियर्स साथ में संगत है सारे देखते हुए। तो अगर जैसे आप यहीं की बात करिए, तो अगर हम इसमें मतलब जितना एरिया हमें प्रोवाइड करा गया है गवर्नमेंट की साइड से, बिकॉज इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग होती है, पूरी आपको परमिशंस लेनी होती है, इट इज़ नॉट लाइक कि आप कहीं पर भी कैसे भी कर लें। ऑब्वियसली आप अपने आपके घर पर आप कोई नहीं रोक सकता, तो हम घरों में भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं या वो चीज़ें हैं, हम अपने घरों में भी सेम चीज़ रिपीट करते हैं कि अगर आप ऑब्वियसली आप घर पे उनकी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख पाएंगे, बिकॉज ये रॉ लैंड है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अपने आप भी काफ़ी चीज़ें चल जाती हैं। तो आपको आपका ये कहाँ से आपने शिक्षा ली है, कब से आपने स्टार्ट करा, कौन है जो ये आपको मैसेज दिया? जी, हमें जो सारी चीज़ें सिखाई गई हैं वो तो डेरा सच्चा सौदा से ही सिखाई गई हैं। राम रहीम सिंह जी जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने 134 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, मतलब उसमें ऐसी ऐसी लिस्ट हैं जो शायद आपको कहीं पर सुनने को ही नहीं मिलेंगी, मतलब अगर आप उसको एक बार चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या है। और ये ऐसा नहीं है कि खाली आपको दिखाया जा रहा है कि मतलब ये चीज़ें हमने लिख दी हैं। अब जैसे सपोजिंगली उसमें आप एक चीज़ की जो बात करें, जो ब्रॉदल से वैश्याएँ होती हैं उनको अपनी बेटी बना के शादी कराने, खाली लिखा हुआ नहीं है उन्होंने, उन्होंने करके दिखाया है वहाँ पे, अगर आप चेक कर सकते हैं, उसके प्रूफ्स हैं, उसके वीडियोज़ हैं, उसके बाद में जितने जिन्होंने उनसे शादी करी है वो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग है अब जो अपनी वहाँ लाइफ में रह रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने करी है और वो सक्सेसफुली चल रही हैं। इट इज़ नॉट लाइक, आप चेक भी कर सकते हैं उस चीज़ों को जाके, उनका इतना अभी भी मतलब अगर हम रियल लाइफ में वैसा सपोर्ट अगर डायरेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट है उनका। आप किसी भी चीज़ के लिए जाइए, अभी भी जितने पहले लोग होते थे उससे ज़्यादा ही आपको लोग दिखाई देंगे, कहीं से आपको कहीं पे भी कमियां दिखाई नहीं देंगी, जैसे काम होते थे उससे बढ़ चढ़ के ही हो रहे हैं।